हालेलुया, तैयार हैं आप लोग? हालेलुया। भजन संहिता 92 का 5 और 6, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप वचन पढ़ें, जब भी आप वचन सुनने के लिए आए, एक कॉपी लेकर आइए, एक बाइबल लेकर आइए, और जो मैं आपको बोलता हूं उसको लिख लिया करिए। सबके हाथ में कॉपी और बाइबल होनी चाहिए, और लिख कर आप सिर्फ रखिएगा नहीं, उसको घर में जाकर उन वचनों को मनन करिए, तब वो आपके जीवन में काम करेंगे, तब आपको एहसास होगा। क्योंकि जब यहां से जाएंगे शैतान छीन लेगा, लेकिन उन वचनों को अपने जीवन में लाने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का आशीष पाने के लिए जरूरी है कि जो वचन परमेश्वर मेरे द्वारा आपको देता है उस वचन को ध्यान से सुनिए, लिखिए और घर जाके मनन करिए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमारी बहन एक वचन पढ़ेंगी, भजन संहिता 92 का 5। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। हे यहोवा, तेरे काम बहुत ही बड़े हैं और तेरे विचार बहुत ही गंभीर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बहुत गंभीर है। परमेश्वर ने सृष्टि गंभीरता से बनाई है। परमेश्वर ने आपको और मुझको गंभीरता से बनाया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर गंभीरता से भेजा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह का बलिदान गंभीरता से किया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह का बलिदान करके उसे 3 दिन के बाद जिंदा गंभीरता से किया है। वो बहुत गंभीर है। उसका एक एक वचन जो उसके मुख से निकलता है वो बहुत ही गंभीर है। इसलिए वो कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन नहीं टलेगा, क्योंकि वो गंभीर है। आपको चुनने के बाद वो गंभीर है। आपको चुनकर कलीसिया में लाया है वो गंभीर है। वो यू ही नहीं लेकर आ गया वो। इसलिए हमें उसको गंभीरता से लेना है, क्योंकि वो अपनी योजनाओं के लिए, अपनी कल्पनाओं के लिए, अपनी चेतावनियों के लिए, अपने प्रोमिसेस के लिए गंभीर है। वो परमेश्वर है। हर एक दिन उसका बनाया हुआ, रचा हुआ है। हर दिन की योजनाएं जो वो बनाता है वो गंभीरता से किसी कारणवश बनाता है, ताकि आपको आशीष मिले। हम अपने जीवन को अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पा पाएंगे। वी हैव टू सीरियस अबाउट आवर सेल्फ। हमें अपने लिए गंभीर होना है। हमारा जो जीवन है वह बहुत बहुमूल्य है। हमें जो आजादी मिली है वह बहुत बहुमूल्य है। हमें जो छुटकारा मिला है, हमें जो उद्धार हुआ है वह बहुत गंभीर है, बहुत ही आशीषित है, उसकी बहुत कीमत है। इसलिए परमेश्वर की गंभीरता को हमें अपने जीवन में लेना है। उसके किसी भी वचन को मजाक में मत लीजिए, ठट्टा मत उड़ाइए, किसी भी रिश्ते को मजाक में मत लीजिए। परमेश्वर अगर आपके जीवन में किसी के साथ रिश्ता बनाता है, सारे रिश्ते जो आपके जीवन में है वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। आपके अगर पड़ोसी मिला है तो परमेश्वर की ओर से। आपकी अगर बहन मिली है, परमेश्वर की ओर से। आपको पति मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है। आपके कारीगर अगर आपके दुकान में काम करते हैं, आपके कारखाने में काम करते हैं, परमेश्वर की ओर से। इसलिए जो भी रिश्ता परमेश्वर आपको देता है उस रिश्ते को गंभीरता से लीजिए। मजाक मत समझिए, तभी वो काम करेगा। हालेलुया। वो बहुत गंभीर है। इसलिए उसके बाइबल में कितने वचन हैं कि तुम मेरी आंख की पुतली हो। अगर वो आपके लिए गंभीर नहीं होगा तो वो आपको अपनी आंख की पुतली क्यों कहेगा? क्यों कहेगा कि तुम्हारा नाम पवित्र शास्त्र में, उसके पुस्तक में लिखा जा चुका है। उत्पत्ति से पहले वो आपको जानता है। प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि वो गंभीर है। आपके उद्धार की योजना उसने उत्पत्ति 3:15 में कर दी। जैसे ही पाप किया आदम ने, उसी समय उसने उद्धार की योजना बना दी, क्योंकि वो गंभीर है। He's a serious. उद्धार के लिए, सालवेशन के लिए, छुटकारे के लिए गंभीर है वो। हम अपने जीवन से खेलते हैं, हम अपने जीवन को गंभीर तरह से नहीं लेते, तभी हम जीवन में संकट उठाते हैं, दुख उठाते हैं। हम गंभीरता से नहीं लेते। लेते हैं आप? नहीं लेते। बचपन में आप बड़े होते हैं, माँ बाप कहते हैं पढ़ो, नहीं पढ़ते। माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का कोई मकसद होना चाहिए, आप माँ बाप की बात नहीं सुनते। किसी भी काम के लिए आप सीरियस नहीं है, इसलिए आप दुख उठा रहे हैं। आपका स्वार्थ गलत है, आपका लक्ष्य गलत है, इसलिए आप दुख उठा रहे हैं। गंभीरता से आप अपने आप अपने बच्चों को पालते नहीं है, इसलिए आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। आपको बच्चा मिला है, उसको हमें गंभीरता से पालना है। हमें परमेश्वर मिला है, उसको हमें गंभीरता से लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने आप को सावधान कर, अपने आप को जांचना है, अपने आप को ठीक करना है। कब आप करेंगे? जब आप गंभीरता से अपने आप को लेंगे, तब आपको एहसास होगा कि मैं कहां गलत हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां जितने भाई बहन बैठे हैं, सब लोगों ने स्कूल देखा है, कुछ ने कॉलेज देखा है, कुछ आगे तक पढ़े, लेकिन स्कूल तो सबने देखा कि नहीं देखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूल में आपको होमवर्क मिलता था? हालेलुया। होमवर्क मिलता था, और होमवर्क का एक डर होता था, और अगर होमवर्क नहीं किया तो उसकी सजा मिलती थी। मिलती थी कि नहीं मिलती थी सजा? प्रेज़ द लॉर्ड। इस 2020 में, आने वाले 2020 में, मैं आपसे कहता हूं, विनती करता हूं कि रोज आप अपने आप को होमवर्क दीजिए, अपने आप को होमवर्क दीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए कि आपको कैसे जीना है, कितना प्रभु के चरणों में आना है, कब प्रार्थना करनी है, कब बाइबल पढ़नी है, कैसे हमको जीवन में उतारना है, कैसे मुझे वचनों को यूज करना है। अपने आप को होमवर्क दीजिए। पहला करंथियों 9:27 क्या कहता है पौलुस? कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। पौलुस अपने आप को होमवर्क देता था कि मुझे यह करना है। आपका शरीर ना करेगा, प्रार्थना करने के लिए आपका शरीर ना करेगा, बाइबल पढ़ने के लिए आपका शरीर ना करेगा, मनन करने के लिए आपका शरीर ना करेगा, ना करेगा। और हमें अपने शरीर को होमवर्क करना है कि नहीं, तुझे ये देना है, तुझे करना है। अपने शरीर को होमवर्क दीजिए। एक घंटा प्रार्थना करनी है हमको, बाइबल पढ़नी है हमको, परमेश्वर के संग संबंध बनाना है मुझको। इसको गंभीरता से लो कि मेरा परमेश्वर के संग कोई संबंध गलत ना हो। हम कोई ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो। गंभीरता से लो परमेश्वर के वचन को, गंभीरता से लो। ये परमेश्वर के मुख से निकला शब्द है। इसलिए अपने आप को होमवर्क दो, और जब आपका शरीर होमवर्क ना करे तो उसको सजा दो, सजा दो। अब आप कहेंगे अपने आप कैसे सजा दो? अगर आपने टाइम टेबल के हिसाब से नहीं किया काम, जो चीज आपको अच्छी लगती है उसे मत खाइए, जिस चीज से आपको आराम मिलता है वो मत करिए, नहीं, अपने आप को सजा दो। आज का दिन मैंने प्रार्थना नहीं की, नहीं, एक टाइम का खाना मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपने शरीर को वो सजा दूंगी, नहीं,
मुझे परमेश्वर से संबंध बनाना है, मुझे परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, 2020 जो आने वाला है उसमें सावधान रहिए आप, बी अलर्ट। शैतान आपको कुछ भी घुमाएगा, शैतान आपके दिमाग में कुछ भी डालेगा, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहां जाते हैं, दोस्तों का फोन आया, चलो वहां चलते हैं। दोस्तों से मिलना कोई गलत नहीं है, लेकिन अपना होमवर्क पूरा करिए। मुझे परमेश्वर को पहला स्थान देना है, मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे उन वचनों पर चलना है। परमेश्वर आपके साथ होगा। Praise the Lord। परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इस वादे को? हालेलुया। वो क्या कहता है, उसका वादा कहां काम आता है? मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:6 में परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। जब तू मेरे रास्ते पर चलेगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तू मेरे वचन पर चलेगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, आप परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते, आप अपने रास्ते पर चलते हैं और कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ चल, और वो नहीं चलता। आप परमेश्वर के रास्ते पर चलना नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके रास्ते पर चले और वहां पर आपको बचाए और वहां पर आपको उन्नति दे, वहां पर आपको सफलता दे। प्रॉब्लम तो यही है ना, प्रॉब्लम तो यही है, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे रास्ते पर आ जाए। अगर झूठ बोल रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, उसके बाद ही परमेश्वर हमारे साथ चले, नहीं चलेगा। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कब? परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा, कब? जब आप उसके रास्ते पर चलेंगे। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कोई भी धंधा कर लीजिए, ये सारी बातें गलत हैं कि मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, आप गलत हैं। अगर आप ये कहते कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, कमी आप में है, परमेश्वर में नहीं है। आप परमेश्वर के वचन पे चलिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है, भजन संहिता 91:14। जो आप उससे प्यार करते हैं, जब आप उसके वचन पे चलते हैं, लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। ये वचन कह रहा है, जब आप उसके वचन पर चलते हैं, जब आप उसके अनुसार चलते हैं, जब उसके मार्ग पर चलते हैं, तो वो वादा करता है कि मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। यानी कि आपकी सफलता निश्चित है। शैतान आपको बोलता, थोड़ा झूठ बोलने से क्या होगा, धंधे में झूठ तो बोलना ही पड़ता है यार, धंधे में झूठ नहीं बोलेंगे, सर्विस में झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, हमारा कैसे चलता है, क्यों झूठ बोलना है? ऐसी सर्विस मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर, जहां मुझे झूठ बोलना पड़े। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसमें मुझे धोखा देना पड़े, नहीं चाहिए परमेश्वर, और देगा वो, उसका वादा है। हमें झूठ का पैसा नहीं चाहिए, हमें धोखे का सुख नहीं चाहिए। जिस दिन आप ये निश्चय कर लेंगे मेरे भाई कि मैं गलत बोलकर आशीष नहीं पाऊंगा, 2020 में आप निश्चय कर लीजिए कि मैं झूठ बोलकर आशीष नहीं पाऊंगा, मैं धोखा देकर आशीष नहीं पाऊंगा, नहीं चाहिए मुझे। कहीं काम करने जा रहे, आपके 1,000 रुपए की फीस है, बोली 1,000 रुपए फीस है मेरी, बोलिए क्यों झूठ बोलूं मैं? ये बात याद रखिए कि आपको देने वाला वो सामने वाला नहीं है, वो ऊपर वाला है।
आपको पालने वाला सामने वाला नहीं है, ऊपर वाला है। कि याद रखिए, आप आपकी बिगड़ी को बनाने वाला आपका बॉस नहीं है, ऊपर वाला है। डरिए मत, सच बोलिए। जब आप सच बोलकर उसके मार्ग पर चलेंगे, आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको चुनौती देता हूं, और 2020 में हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के अनुसार ही चलना है। ये आज हम निश्चित करेंगे, और जब हम 31 दिसंबर को रात को मिलेंगे, हम और प्रार्थना करेंगे इसके लिए। हमें सफल होना है। आप लोग कई मुसीबतों से झुलस रहे हैं, कई मुसीबतों से आप लोग निकल रहे हैं, कई मुसीबतें आपके जीवन में काम कर रही हैं, और आपको समझ नहीं आता इसका हल क्या है। इसका एक ही हल है, परमेश्वर पर विश्वास करो और उसके वचन पे चलो। खुश मत करो, वो करेगा। हमें परमेश्वर के लिए, मेरी बहन मेरे भाई, गंभीर होना पड़ेगा। वो स्वर्ग से जमीन पर आया, धरती पर, ताकि हम आशीष पाएं। प्रेज द लॉर्ड। गतसमनी के समय उसने अपने बेटे की बात नहीं मानी। उसने कहा, यह प्याला मुझसे दूर कर दे प्रभु। परमेश्वर गंभीरता हमारे लिए, उसने कहा, नहीं, तुझे संसार का पाप अपने ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को बचाना है। हालेलुया। क्योंकि मेरा पिता हमारे लिए गंभीर है। आप उसकी गंभीरता को समझिए मेरे भाई। यूं ही नहीं आप आ गए। आप इस जीवन का मतलब समझिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। यूं ही आप कलीसिया का हिस्सा नहीं बन गए। यूं ही आप यीशु मसीह के नाम को नहीं जान रहे हैं। ये परमेश्वर ने आपकी बुद्धि को खोला है मेरे भाई मेरी बहन। उसकी कीमत को समझिए और उसको गंभीरता से लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर इतिहास में देखेंगे, हम पुराने नियम में देखेंगे, तो हन्ना एक औरत हुई है। हन्ना, आपने उसके बारे में सुना होगा। मैंने कई बार आपको बताया, कल मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, और मैं, मेरी नजरों में हन्ना की कीमत, हन्ना की इज्जत बहुत बढ़ गई। जब मैंने जाना, न्यायियों की किताब, जो न्यायियों का समय था, उस समय परमेश्वर को कोई नहीं मानता था, कोई राजा नहीं था, कोई नबी नहीं था। न्यायी जो चाहते थे वैसा करते थे, इसराइली जो चाहते थे वैसा करते थे। इसलिए परमेश्वर ने न्यायियों को चुना, ताकि वो इसराइलियों को बचाएं, पलिश्तियों से, अमोरियों से, मोआबियों से, हित्तियों से, परिज्जियों से। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता है। इज़राइल से परमेश्वर प्यार करता था, क्योंकि इज़राइल को परमेश्वर ने अपनी प्रजा के रूप में रचा था, ताकि इज़राइल के द्वारा परमेश्वर को दुनिया जाने वो चाहता था। लेकिन उस समय यहोशू के बाद इज़राइली पूरी तरीके से मूर्ति पूजा में बंद गए थे। हालेलुया। अंधकार में थे, आत्मिक जागृति, आत्मिक रूप से पूरी तरीके से गिर चुके थे वो लोग, पूरी तरीके से गिर गए थे। कोई परमेश्वर की उपासना नहीं करता था, कोई उसे पूछता नहीं था, मूर्ति पे पूजा पे थे, व्यभिचार था हर तरफ। उस समय हन्ना, वो औरत जिसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर था, एक ऐसा वातावरण था जिसमें डर था,
एक ऐसा वातावरण था जिसमें असुरक्षा थी, एक ऐसा वातावरण था जिसमें इसराइलियों को मारने के लिए लोग ताक में रहते थे। जब मोआबी राजा कर रहे थे, जब मोआबी राज्य करते थे इसराइलिस पर गिदोन के समय में, तो बाइबल बताती है कि इसराइलिस गुफाओं में और चट्टानों की दरार में छुपे रहते थे अपने आप को बचाने के लिए। उस वातावरण में हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसकी कोख बंद थी, वो बांझ थी, उसका पति अलकाना बहुत ही अच्छा आदमी था, बड़ा आदमी था, अमीर आदमी था, लेकिन हन्ना ने कहा कि नहीं, मेरे पिता को लोग नहीं जानते हैं। उसने प्रार्थना की, पहला शैमल 1:10-11 कि हे पिता, तू महान है, मैं चाहती हूं तू मेरी कोख खोल और मेरी कोख से जो बच्चा पैदा हो वो मैं तेरे सेवा के लिए समर्पित करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हन्ना गंभीर थी अपने पिता के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए। वो समझती थी कि इसराइलियों का हाल ऐसा बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। वो परमेश्वर जिसने उसे मिस्र से आजाद करवा के इसराइलियों को लेकर आया था, अद्भुत चमत्कार दिखाए दुनिया को, लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया, यर्दन नदी जो ऊपर से नीचे बहती थी उसको दो भागों में बांट दिया, अद्भुत चमत्कार किया, 40 साल तक मन्ना खिलाया, पत्थर से पानी पिलाया। वो इसराइली परमेश्वर को भूल गए और हन्ना ने कहा कि हे पिता, मेरी कोख खोल और उसमें वो बच्चा डाल जिसे मैं तेरे हवाले कर दूं, जिसे मैं तेरी सेवा में लगाऊं और वो बच्चा इसराइलियों को आजाद करवाए, वो दुनिया को बताए कि तू कौन है। मेरे भाई, क्यों हम दुख में हैं? क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कौन है। अभी भी हमारी आंखें बंद हैं, अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो है कौन, अभी भी हम उसकी कीमत को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि हम उसके लिए अभी भी गंभीर नहीं हैं। हम गंभीर हैं अपनी नौकरी के लिए, हम गंभीर हैं अपने धंधे के लिए, हम गंभीर हैं अपने जीवन के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए। मेरे भाई, हमें उसके लिए गंभीर होना है। उसके लिए गंभीर होना हमें, क्योंकि वो हमारे लिए गंभीर है। उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, उसने अपने इकलौते पुत्र का हमारे लिए बलिदान कर दिया, क्योंकि वो गंभीर है हमारे लिए, हमारे लिए सोचता है वो। हन्ना ने क्या प्रार्थना की थी? और वो मन में 11 और उसने यह मन्नत मांगी। यस, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, उसने मन्नत मानी, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। आमीन, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, आगे मेरी सुधी ले, हाँ, और अपनी दासी को भूल न जाए, हाँ, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। Amen. और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया, मुझे पुत्र दे, क्योंकि उसके अंदर एक तड़प थी। वो देख रही थी कि उसके इजरायली भाई गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, वो देख रही थी कि उसके पिता उसके यहोवा को कोई नहीं पूज रहा है, वो देख रही थी कि आत्मिक अंधकार में दुनिया है, प्रजा है, इसराइलीज है, कोई नहीं जान रहा है मेरे पिता को। उसने कहा, पिता परमेश्वर, मुझे एक बच्चा दे जिसको मैं तेरे लिए समर्पित कर दूं, तेरे राज्य के लिए समर्पित कर दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए आप, ऐसा वातावरण, हर तरफ आतंक, हर तरफ डर, इसराइली छुप रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए,
और ऐसे माहौल में एक हन्ना, एक औरत, एक अपना बच्चा मांग रही है और वाचा बांधती है कि मैं अपने बच्चे को तेरे राज्य के लिए समर्पित कर दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर ने वचन सुना, वाचा का परमेश्वर है वो, उसने प्रार्थना सुनी और उसकी कोख भर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना गंभीर थी, हन्ना ने जो वाचा बांधी थी उसके लिए गंभीर थी। हन्ना परमेश्वर के प्यार के लिए गंभीर थी। वचन कहता है कि जब बच्चा पैदा हुआ उसने बच्चे का नाम शेमुएल रखा। क्या नाम रखा? सब लोग बोलिए क्या नाम रखा? दोबारा बोलिए क्या नाम रखा? शेमुएल का नाम पता है उसका मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का नाम। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसने मिठाइयां नहीं बंटवाई, उसने कोई उत्सव नहीं मनाया, अपना बर्थडे का अपने बच्चे के लिए बर्थडे केक नहीं काटा, उसने नए नए कपड़े लेकर नहीं आई, खिलौने लेकर नहीं आई। वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए बता रही थी कि तेरा परमेश्वर कौन है, तेरा पिता कौन है। वो है तेरा पिता जिसने तेरे बाप दादाओं को आजादी दिलवाई, वो है तेरा पिता जिसने तेरे पूर्वजों को मिस्र से निकाला, वो है तेरा पिता जिसने समुद्र को दो भागों में बांट दिया, वो है तेरा पिता जिसने 40 साल मन्ना खिलाया, वो है तेरा पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 साल तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाती रही लेकिन उसने एक दिन भी खुशी नहीं मनाई, दुनिया को नहीं बताया कि मेरे बच्चा हुआ है। दुनिया उसका मजाक उड़ाती थी, उसकी सौतन उसका मजाक उड़ाती थी, अरे बांझ तेरे बच्चा ही नहीं है, चुप रहे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ वो दुनिया के सामने नहीं गई कि देख मैं मां बन गई हूं, नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए गंभीर थी। मेरे पिता के बारे में लोग जाने, मेरे यीशु के बारे में लोग जाने, हमारे अंदर ये तड़प होनी बहुत जरूरी है कि मेरे पिता, मेरे यीशु के बारे में दुनिया जाने। मेरे धंधे की वजह से मेरे पिता को कोई जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। और हन्ना ने उस बच्चे को 3 साल के बाद मंदिर में छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा। बाइबल बताती है जैसे ही हन्ना ने यहोवा के मंदिर में उसको छोड़ा, उस बच्चे ने पीछे मुड़कर अपनी मां को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, उसने किसको देखा? परमेश्वर को। वो किसके लिए समर्पित था? परमेश्वर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है शेमुएल के मुंह से जो निकलता था परमेश्वर उसे पूरा करता था। सुना आपने? शेमुएल के मुंह से जो निकलता था परमेश्वर उसे पूरा करता था। कहीं अगर आपके संग ऐसा हो तो आप सोचिए क्या होगा। आपके संग हो सकता है, आप जो बोलेंगे वो होगा, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाएंगे, जब आप परमेश्वर के लिए गंभीर हो जाएंगे। उस मां ने यह नहीं सोचा होगा कितने सालों के बाद मेरा बच्चा मिला है, मैं यहोवा के मंदिर में उसे सोच रही हूं कैसे खाएगा, क्या खाएगा, क्या बनेगा वो, उसका फ्यूचर क्या होगा। सोचा नहीं, उसने परमेश्वर के चरणों में शेमुएल को दे दिया। और बाइबल कहती है कि शेमुएल आखिरी न्यायी था और पहला भविष्यवक्ता। पहला भविष्यवक्ता अगर कोई हुआ है तो वो हुआ है शेमुएल, और आखिरी न्यायी था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। शेमुएल क्यों? परमेश्वर गंभीर है।
हम बहुत सी चीजें परमेश्वर से मांगते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी हर बात सुने, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता रहे। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी हर बात सुने। चाहते हैं कि नहीं चाहते? हालेलुया। चाहते हैं कि नहीं चाहते? प्रेज द लॉर्ड। यही पिता चाहता है आपसे। क्या हम करते हैं? क्या हम पिता के साथ चलते हैं? क्या हम हर पिता की बात मानते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम पूरी तरीके से विश्वास करते हैं? हमारे हर दिन, हर घंटे, हर पल क्या हम प्रभु के अनुसार रहते हैं? नहीं रहते। और हम उम्मीद करते हैं प्रभु रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम उम्मीद करते हैं प्रभु रहे। मती 6, मती 5, 20 से 22 के बीच में परमेश्वर क्या चाहता, सुनिए। मती 5, 20 से 22 क्या चाहता है परमेश्वर? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम उस स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी थी उसकी धार्मिकता? फारसियों की, शास्त्रियों की धार्मिकता क्या थी? परमेश्वर कहता कि वो धार्मिकता नहीं चाहिए। 6:1 पढ़िए, मती 6:1, फिर हम इस पे आएंगे। मती 6:1, सावधान रहो। हाँ, तुम मनुष्य की दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये थी शास्त्रियों की धार्मिकता, ये थी फरीसियों की धार्मिकता। दिखाने के लिए काम मत करो, लोगों को दिखाने के लिए कलीसिया मत आओ, लोगों को दिखाने के लिए बाइबल अपने हाथ में मत पकड़ो, उसकी कीमत को समझो। बाइबल क्या है? कलीसिया क्या है? कलीसिया में आना परमेश्वर की आज्ञा है, उसकी कीमत को समझो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। इसी का 21वां देखिए, 5:21 मती का देखिए क्या कहता है। तुम सुन चुके हो हाँ, कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये थी फारसियों की धार्मिकता, शास्त्रियों की धार्मिकता। जो कोई हत्या करेगा वो दंड का अधिकारी होगा। ये किसकी धार्मिकता थी? शास्त्रियों की और फारसियों की। आगे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हेलो, बस हमारी धार्मिकता क्या है? जो अपने भाई पर क्रोध भी करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। हत्या नहीं, क्रोध। क्रोध भी करेगा तो वो दंड का अधिकारी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्रोध को, हम जीवन में हर एक कोई क्रोध करता है। क्रोध आता है। इफिसियों 4:26-27। क्रोध क्या है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। क्रोध तो करो पाप मत करो, पर पाप मत करो। कैसे हम क्रोध के संग पाप कर सकते हैं? क्रोध के द्वारा पाप कैसे आता है, कभी सोचा आपने? क्रोध के द्वारा आप पाप कैसे कर सकते हैं, कभी सोचा आपने? वचन कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, और तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक शांत हो जाए, नहीं तो शैतान काम करेगा। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। कैसे पाप किया आपने? जब आपने क्रोध किया और उस क्रोध
पर आप पर काबू नहीं हुआ और क्रोध के बाद आपने शराब दिया। यही होता है। क्रोध की चरम सीमा क्या है? आप सामने वाले को अपशब्द बोलते हैं, उसको कर्ज देते हैं, उसको शराब देते हैं, उसको बंधन में डालते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हालेलुया। जैसे क्रोध आता है आपके दिल में नफरत आती है। हालेलुया। जैसे क्रोध आता है आपके दिल में नफरत आती है, और आपकी नफरत सामने वाले भाई के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए आपके अंदर से श्राप आता है कि तू मर गया होता तो अच्छा था, मेरी तुझसे शादी नहीं हुई होती तो अच्छा था, कैसी औलाद मैंने पैदा कर दी अच्छा होता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कर रहे हैं आप? आप पाप कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि किसी को शराब देना पाप है। आपके मुंह से अगर किसी के लिए शराब निकल रहा है वो पाप है। कैसे पाप है? उत्पत्ति 12:3 क्या कहता है? जो तेरे लिए आशीष, जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। हेलो, अगर आप किसी को श्राप देंगे तो परमेश्वर आपको श्राप देगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? और परमेश्वर के जन पर तो कभी श्राप मत दीजिए। परमेश्वर के जन को अगर आपने क्रोध करके श्राप दिया, उसी समय आप पर श्राप आएगा। वचन कहता है जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। कौन श्राप देगा? परमेश्वर। इसलिए वो कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हुआ था जब यीशु मसीह को पिलातुस ने बोला था, जब पिलातुस ने सबके सामने कहा था कि मैं इसमें कोई भी वजह नहीं देखता हूं कि इसको क्रूस पर बलिदान किया जाए, और मैं अपने हाथों को शुद्ध करता हूं इसके लहू से। वहां जितने यहूदी खड़े हुए थे उन्होंने क्या कहा था? इसका लहू हम पर और हमारे बच्चों पर हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या मांगा उन्होंने? क्या किया? श्राप। कभी कभी होता है ना आप लोगों के जीवन में कि आपने कुछ नहीं किया और आपकी रुकावटें आ रही हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बुरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपके बच्चे मेहनत कर रहे, पढ़ नहीं पा रहे, गलत संगति में जा रहे हैं, क्यों हो रहा है? वो श्राप है जो आपके पूर्वज के पूर्वज ने मांगा था, वो आप पर काम आ रहा है अभी। वो श्राप है। आपकी बच्ची जो बहुत अच्छी है अचानक खराब हो गई, आपका बच्चा बहुत अच्छा है अचानक खराब हो गया, आपका पति बहुत अच्छा था अचानक खराब हो गया, ये श्राप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ऊपर काम कर रहा है। उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए वो कहता है क्रोध तो करो, अपने मुंह से कोई भी ऐसा शब्द मत निकालो जो आपके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर श्राप लाए, कभी भी नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को कितनों ने लोगों ने सताया, वो चले गए वहां से, जिन्होंने बात नहीं सुनी उन्होंने वो जगह छोड़ दी। प्रेज़ द लॉर्ड। श्राप? नो। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे अपना दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन गलत बात अपने मुंह से मत निकालो। आप समझ रहे हैं? किसी को एक गाल पे कोई किसी ने बिला वजह आपको थप्पड़ मारा और आप कहेंगे भला फला 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 आपने गालियां निकाली, तेरे परिवार का ये और ये निकलेगा ना, आपने कुछ नहीं किया और आपको किसी ने मारा, गुस्सा आएगा,
गुस्से में आप कुछ भी बोलेंगे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बोले। इससे अच्छा है कि आप दूसरा का लाई कर दें। आप इसकी गंभीरता को समझिए, इस वचन को, ताकि आप किसी श्राप में ना आए। क्योंकि जो शैतान आपसे बुलवा रहा है ना, वो सारे श्राप हैं। शैतान आपको श्राप में डाल रहा है। एक ने थप्पड़ मारा और आपने गालियां देना शुरू किया, उसके खानदान के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके ये वो गंदी बातें अपने मुंह से आपने निकालना शुरू की। उसका न्याय तो होगा, बंधनों में कौन आया? आप। बंधनों में आप आए। इसलिए अगर आपका भाई बहन नहीं समझ रहा है, चुप रहे दो, कोई बात नहीं, ओके, परमेश्वर समझाएगा, चुप रहो, कुछ नहीं करो, न्याय करेगा। उससे बुद्धि मांगो, परमेश्वर उसे बुद्धि दीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हमें उसकी कीमत को, उसकी गंभीरता को समझना है मेरे भाई। पौलुस समझ गया था फिलिपियो, ये गलतियों 2:20, गलतियों 2:20, पौलुस समझ गया था। देखिए, पौलुस ने यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। हालेलुया, उसको जाना है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, पढ़िए बेटा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, अब मैं जीवित न रहा। एक मिनट, अब मैं जिंदा नहीं हूं। कब आप श्राप में आएंगे? आप पाप में कब आएंगे? जब आप अपने आप को जिंदा समझेंगे। हम जब यीशु मसीह में चुने गए हैं, हम नई सृष्टि में आ गए हैं। पुराना जो जन्म था, पुरानी सृष्टि खत्म हो चुकी है। इसलिए वो कहता है, मैं जिंदा नहीं हूं। आप पाप में कब आएंगे? जब आप खुद को जिंदा समझेंगे। आप श्रापों से कब मुक्त होंगे? जब आप संसार के लिए मर जाएंगे और यीशु मसीह में जिंदा हो जाएंगे। वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। सच है, वही नहीं, पौलुस ही नहीं, हम सब। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। पौलुस जान गया था, उसने लिखा है, वो बता रहा है कि हम सब, जैसे ही हमने यीशु मसीह को अपना मनाया, जैसे ही हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, हम उसी पल यीशु के साथ क्रूस पर लटकाए जा चुके हैं। हमारा पुराना मनुष्य तो यीशु के साथ क्रूस पर है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मेरे संग बोलिए, मैं, एक साथ बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। अब मैं जिंदा नहीं हूं। ये हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मैं क्रूस पर। तब आपके अंदर कौन जिंदा है? मसीह, यीशु। जब आप मरेंगे, यीशु आप में जिंदा होगा। Praise the Lord, यीशु आप में जिंदा होगा। और तब आप यीशु की गंभीरता को समझेंगे। हालेलुया। आपने बाइबल पढ़ी है, देखा आपने, जब चेलों को हंटर मारते थे, बेत मारते थे, और ये आनंद उठाते थे। क्यों आनंद उठाते थे, कभी सोचा आपने? कभी सोचा है क्यों आनंद करते थे ये लोग? स्तुति आराधना गाते थे, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मरने से पहले बोल चुका था कि जब भी तुम मेरा नाम लेके चलोगे, लोग तुमसे नफरत करेंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, तुम्हें ठट्टों में उड़ाएंगे। हालेलुया। पौलुस, पतरस, जब भी उनको मारते थे, हंसते थे,
हमारे जीवन में प्रभु यीशु का वचन पूरा हुआ। यानी कि अगर आपके सताव में आपको आनंद आ रहा है, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। अगर आपके सताव में आपको नफरत आ रही है, आप खतरे में हैं। आपका पति आपको दुख दे रहा है और आपके मन में आनंद आ रहा है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आनंद ही हमारी ताकत है। हालेलुया। इसलिए उसकी उसके लिए अपनी गंभीरता को समझिए मेरे भाई। ये नया साल जो आने वाला है, हमें एक एक दिन में उसके लिए गंभीर होना है, उसके लिए गंभीर होना है। हालेलुया। आपने पूरी बाइबल पढ़ी? अगर आप पढ़ेंगे, जिसने नहीं पढ़ी, सोचिए क्या यीशु मसीह ने किसी चेल अपने चुने हुए चेलों को चंगाई दी? दी? यीशु मसीह ने अपने चुने हुए चेलों को चंगाई दी? हालेलुया। और जिनको चंगाई दी उनको चेला नहीं बनाया? जिनको चंगाई दी, जिनको चंगाई से प्यार था, उसको चेला नहीं बनाया। आपको चंगाई चाहिए? ओके, घर जाके बैठिए। आप समझे? मरियम मग्दलीनी कितनी गंभीर थी प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 20:1-2, जब यीशु मर गए, उन्हें क्रूस से निकाल कर गुफा में डाल दिया, कब्र पे डाल दिया, और मरियम मग्दलीनी बैठी हुई उस कब्र के सामने मसाले लेकर क्या बोलती है? यूहन्ना 20:1-2, सप्ताह के पहले दिन मरियम मग्दलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। सैनिक थे वहां पर, यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, उस समय हलचल थी, चेले छुपे हुए थे ऊपरी कोठरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां क्या है कि मरियम मग्दलीनी अंधेरा ही था, उजाला होने का भी उसने इंतजार नहीं किया, वो प्रभु की कब्र के पास आ गई। उसने नहीं कहा भैया चलो मेरे साथ कोई और दूसरा चलो यार हमको कब्र पे जाना है। नहीं, यहां तो दिन में भी आप आते हैं तो आप अकेले नहीं आ सकते, कोई ना कोई आपको चाहिए होता है। हालेलुया। दूसरा और हाँ, तब वह दौड़ी और सेमोन पत्रस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था। इसी का 11-12-13 पढ़िए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। आमीन। पत्रस को बताया कि वो नहीं है, वो आए और देख के चले गए, और वो मरियम मग्दलीनी खड़ी हुई है, रो रही है, कब्र के पास रो रही है। 12 दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठ देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मर गया है। हालेलुया। क्रूस पर उसका मरा हुआ मरियम ने देखा था। क्या कह रही है? वो मेरे प्रभु को कहीं उठा के ले गए। मरा हुआ यीशु, मरा हुआ यीशु उसका प्रभु था। उसको जीवन से, उसको आपको जिंदा परमेश्वर चाहिए, जिंदा यीशु जो आपके काम करे, उसको प्रभु चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रभु को कोई उठा के ले गया है।
प्रेज द लॉर्ड। उसने यीशु को प्रभु मान लिया था, वो मरा हुआ हो या जिंदा हो, वो मेरे जीवन में काम करे या ना करे, वो मेरा प्रभु है। वो मुझे चंगाई देगा, मुझे आशीष देगा, इसलिए मेरा प्रभु है। नहीं, वो अगर मर गया है तो भी मेरा प्रभु है। मरियम मगदलीनी बैठी हुई है, रो रही है, स्वर्गदूतों से कह रही है। स्वर्गदूत जिनके चेहरे पर उजाला था, जो सफेद कपड़े पहने हुए थे, वो दिख रहे थे स्वर्गदूत है। उसने नहीं कहा, अरे स्वर्गदूत आप स्वर्ग से आए, अरे मेरी इच्छा पूरा कर दीजिए। है नहीं, मेरे यीशु को कोई ले गया है, मेरे प्रभु को कोई ले गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने पहला सुसमाचार मरियम को ही दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, आपकी सफलता पर यह डिपेंड करता है कि आप प्रभु के लिए कितने गंभीर हैं, कितने गंभीर हैं आप प्रभु के लिए, कितने गंभीर हैं। आपके चेहरे से, आपके जीवन से पता लगना चाहिए कि प्रभु आप में है। आप अगर गाड़ी चलाते हैं, उससे पता लगना चाहिए प्रभु ये प्रभु के बच्चे की गाड़ी है। वो गाड़ी चलाए तो पता लगे प्रभु के बच्चे की गाड़ी है। आज इस मकान पर रहते हैं, मकान बताए कि आप प्रभु के बच्चे हैं, पता लगना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का हूं। मरियम मगदलीनी ने जो उसको देखा, सुबह से बैठी हुई है, उसने कुछ नहीं कहा, परमेश्वर ने उसे चुना भी नहीं था। चुना था उसे, चेले सबको ऊपरी कोठरी में बैठे हुए हैं, लेकिन ये कब्र के पास बैठी हुई है। कौन? एक औरत, अकेली औरत। मेरी बहन, हमें प्रभु के लिए गंभीर होना, और वो गंभीर आप कब होंगे? जब उसका प्यार आपके अंदर होगा। इसलिए 2020 में अपने लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर के लिए आपके अंदर प्यार जागे, प्रेम जागे। हालेलुया। फिलिपियो 1:9 क्या कहता है? फिलिपियो 1:9 मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आमीन। एक बार और पढ़िए। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आपका प्यार सब प्रकार के ज्ञान के साथ बढ़े, पौलुस प्रार्थना करता है। क्योंकि अगर आपके प्रेम में ज्ञान होगा तो आप छोटी छोटी बातों में हिलेंगे नहीं। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी आजमाइशें आपको हिलाएंगे नहीं अगर आपके अंदर ज्ञान होगा। अगर आपके अंदर प्रभु का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए वो कहता है कि मेरी प्रार्थना है कि आपका प्रेम ज्ञान और सच्चे विवेक से बढ़ता जाए। आप में सच्चा विवेक हो, आपके अंदर ज्ञान हो, आप प्रभु को जानो, आप यीशु को समझो, उसके वचन को जानो, उसके मुख से निकले हुए वचन की गंभीरता को समझो, वो प्रेम आपके अंदर आए, तब आप देखिए आपको किसी की कोई बात बुरी नहीं लगेगी। अगर आपको बुरी लग रही है बात, तो आप में कमी है, बहुत कमी है, खतरे में है आप। संभालिए अपने आप को। हमारे अंदर प्रेम है, ज्ञान नहीं है। होशे 4:6 क्या कहता है? कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो गई। होशे नबी की पुस्तक 4:6 कहता है कि मेरी जो प्रजा है, मेरे जो लोग हैं,
मेरे जो चुने हुए बच्चे हैं वो ज्ञान के बिना नाश हो गए, ज्ञान ही नहीं उनका। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पिता ने आपके लिए वसीयत छोड़ी है, करोड़ों की जायदाद छोड़ी है और आपको ज्ञान ही नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप उसका आनंद ले पाएंगे? नहीं, आप वही दो दो रोटी के लिए तड़प रहे हैं। अरे करोड़ों की जायदाद प्रभु पिता ने आपके लिए छोड़ के गया है। होशे कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से, दुनिया के ज्ञान की वजह से नहीं, मेरी प्रजा कब नष्ट हुई? जब उसके पास मेरा ज्ञान नहीं था। आप क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास प्रभु का ज्ञान नहीं है। दुनिया का तो बहुत ज्ञान है, दुनिया ये करती है, रिश्ता ये करता है, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा। मेरा ज्ञान नहीं है उसके पास, सब ज्ञान है आपके पास, प्रभु का ज्ञान नहीं है, आप नाश हो जाएंगे। अगर आपके पास प्रभु का ज्ञान नहीं है मेरे भाई, ये चेतावनी है, इसको समझिए। कितने भी आप सालों से प्रभु में आते हो, कितनी बाइबल आपने क्यों ना पढ़ ली हो, लेकिन अगर प्रभु का ज्ञान आप में नहीं है, कुछ भी नहीं, आप नाश हो सकते हैं, नाश हो सकते हैं आप। इसलिए उसने कहा, नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। क्यों नहीं है आपके पास प्रभु का ज्ञान? क्यों नहीं है? क्योंकि आप सीरियस नहीं है, आपने तुझे जाना दे यार, छोड़ो यार, नहीं ठीक है, झूठ तो बोलना पड़ेगा यार, नहीं यार, थोड़ा सा अपना रूप दिखाना पड़ता है, नहीं नहीं यार, कब तक दीनता में जिएंगे, कब तक नम्रता में जिएंगे यार, नहीं नहीं, थोड़ा सा अपना अहम हमको दिखाना पड़ेगा, अपना हमारे अंदर घमंड थोड़ा आना चाहिए, तब दुनिया समझेगी कि हम कुछ हैं। नहीं, यीशु मसीह में दीनता थी, नम्रता थी, वो मेरे और आपके लिए मर गया, क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। अगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, आप टूट सकते हैं, आप टूट सकते हैं। योहन्ना 15:5, वो डाली जो परमेश्वर ने लगाई है, अगर वो डाली परमेश्वर में उस दाखलता में नहीं फलेगी, तो उस डाली को काट कर नाश कर दिया जाएगा। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और परमेश्वर में हम कब रहेंगे? जब ज्ञान होगा। इसलिए कहा गया ना, एक जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वो झुका हुआ होता है, जितने ज्यादा फल होंगे पेड़ में वो झुका हुआ होगा, जिसमें कम फल होंगे वो तना हुआ होगा, है कि नहीं? Praise the Lord। जिसमें कम, जिसमें ज्यादा फल होंगे वो झुक जाएगा। हमको झुका है, हमको झुकना है, तभी हम परमेश्वर के निकट रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमारा नाश हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें नाश नहीं करना है अपना। आपको पता है, अमोरियों को भी परमेश्वर ने आजाद करवाया था 400 साल के बाद, जैसे इसराइलियों को आजाद करवाया था 430 साल के बाद। कितने लोग बचे अमोरियों में, आपको पता है? एक। कौन? वो वैश्या राहब,
एक इसराइलियों में कितने लोग गए प्रॉमिसिंग लैंड में? दो. कौन कौन? कालेब और यहोशू. आप सोचिए, कभी यहोशू के बारे में सोचा आपने? मूसा ने मिस्र में दासत्व का जीवन नहीं जिया, लेकिन यहोशू ने जिया था. उसने दासत्व का जीवन जिया. वो वहां पर था जब मिस्र में उसको दासत्व के लिए, दासत्व के जमाने में वो काम करता था. मूसा के साथ रहा. प्रेज द लॉर्ड. और जब परमेश्वर मूसा को सिने पर्वत पर बुलाता था, मूसा को नहीं पता था कि कितने दिन के लिए जा रहा है वो, लेकिन बाइबल कहती है वो 40 दिन 40 रात सिने पर्वत पर परमेश्वर के साथ रहा. यहोशू कहां रहा पता है? 40 दिन 40 रात पर्वत के नीचे इंतजार करता हुआ. सोचिए उसमें कितनी दीनता, कितनी नम्रता, कितना समर्पण होगा. वो कितना गंभीर होगा, वो कितना सीरियसली ले रहा होगा प्रभु के, कि प्रभु से मूसा बात कर रहा है. उसने यही नहीं कहा मूसा, क्या मूसा यार तुम एक दिन के लिए गए थे, 40 साल क्या है यार, 40 दिन लगा दिए, कुछ सोचा नहीं कि मैं नीचे हूं? तभी तो परमेश्वर ने चुना. मूसा के बाद तू है जो मेरी भेड़ों को लेके जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. यहोशू का समर्पण, उसका प्यार और परमेश्वर के लिए ज्ञान, उसका सामर्थ्य पता क्या था? उसने सूरज को रोक दिया. ऐ सूरज रुक, जब तक ये प्रजा यहां से ना चले जाए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, रुका रहे. और नासा ने भी मांगा है, साइंटिस्ट ने भी माना है कि हिस्ट्री में अगर वो पीरियड को देखेंगे तो तकरीबन एक दिन के लिए सूरज रुका हुआ था, समय रुका हुआ था. वो था सूरज, वो था यहोशू. क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था कौन है परमेश्वर. आप कभी रुक सकते हैं? आप किसी के लिए आधा घंटा वेट करेंगे ना, यहां पर 10 फोन करेंगे, अरे यार कहां हो यार, अभी तक नहीं आए. क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है. ज्ञान ही तो हमें सब्र देता है, ज्ञान ही तो हमें धीरज देता है, ज्ञान ही तो हमें आनंद देता है, खुशी देता है, सहनशीलता देता है, सब्र देता है, प्रेम और आनंद देता है, शांति देता है ज्ञान हमें. अगर ज्ञान नहीं है तो हमारे अंदर कभी भी असब्र, हम धीरजवंत धीरज से निकल जाएंगे, पेशेंस नहीं होगा हमारे अंदर, गुस्सा आ जाएगा. इसलिए अगर गुस्सा आ रहा है जांचिए, नहीं मुझ में ज्ञान होना चाहिए, मुझे परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है. इसलिए इस 2020 में मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई आदमी इस धरती पर मुकम्मल नहीं है. हम सब बैठे हुए हैं, मेरे, मैं अपने आप को जोड़ता हूं आपके साथ, हम मुकम्मल नहीं हैं. हमें रोज अपने आप को मुकम्मल बनाने की कोशिश करनी है. वो कब होगा? जब हम अपनी गलतियों को समझेंगे, जब हम अपनी गलतियों को दूर करेंगे. नहीं, ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, इसको निकालना है मुझे. इसलिए मैंने कहा है कि 2020 में अपने आप को होमवर्क देना शुरू करिए. मुंह से गलत बात निकले, अपने आप को सजा दीजिए, अपने आप को सजा दीजिए. नहीं, गलत बात कैसे निकली मुंह से, कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए. होमवर्क दीजिए अपने आप को. सुबह 5 बजे उठूंगा, मिनिमम 5 से 6 प्रभु की आराधना, 6 से 6:30 प्रभु का वचन, उसके बाद काम पे जाऊंगा, उससे पहले कोई काम नहीं करूंगा. पहले प्रभु की प्रार्थना करूंगा तब चाय पीऊंगा, पहले प्रभु की प्रार्थना करूंगा तब कुछ खाऊंगा. अपने आप को होमवर्क दीजिए. नहीं, पहले जीवन में प्रभु का नाम आए, अपने आप को उस लायक बनाइए. हालेलुया.
प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो आने वाला 2020 है वो सावधान रहने का साल है। वी हैव टू अलर्ट। हालेलुया। बहुत से आपको बोलेंगे आने वाला साल आपको ये देगा वो देगा वो देगा। उनको देगा, हमें दे चुका है परमेश्वर। बहुत सी भविष्यवाणी आप सुनेंगे कि 2020 में आपको अद्भुत आशीष मिलेगी। मैं उन सब भाई बहनों से बोलना चाहता हूं कि अगर वो परमेश्वर को जानते हैं तो वो 2000 साल पहले क्रूस के द्वारा हमें सारी आशीषें दे चुका है। हमें यस, हमें उन आशीषों को संभालना है, हमें उन आशीषों को बनाकर रहना है और सावधानी से चलना है, क्योंकि प्रभु आने वाला है और हमारा ध्येय, हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए कि प्रभु तक पहुंचना। हमें कोई इंसान को खुश नहीं करना है, हमें प्रभु को खुश करना है। और अगर हमारी किसी बात से प्रभु नाराज होता है हमें उसी समय पश्चाताप करना है। हमारा ध्येय होना चाहिए प्रभु, इंसान नहीं, संसार नहीं, मेरा धंधा नहीं, मेरी सर्विस नहीं, मेरा पैसा नहीं, मेरा प्रभु मेरा ध्येय है। हालेलुया। आज का वचन हमने समझा, बोलिए यीशु मसीह की जय।